हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल पाक बनाएंगे। बिना मावा, बिना घी, बिना मिल्क पाउडर, बिना चाशनी के बना ये पाक कोई भी आसानी से बना सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 40 ग्राम या 2 कप मखाने लेंगे। मखाने को हम लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक भून लेंगे। मखाने का हमें कलर चेंज नहीं करना है और मखाने को हमें लगातार चलाते रहना है। 6 से 7 मिनट बाद मखाने को इस प्रकार से दबाकर देखेंगे। मखाना अगर अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो अब हम इसे अलग निकाल लेंगे और सेम पैन में अब हम डालेंगे 1/4 कप काजू, 1/4 कप मगज के बीज। अगर आप चाहें तो इसमें केवल आधा कप काजू भी ले सकते हैं। दोनों को हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेंगे। मगज के बीज जैसे ही चटकने लगेंगे तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे भी बाउल में निकालेंगे। दोनों को अच्छे से ठंडा होने के बाद अब हम इसे पीसेंगे। पहले हम काजू और मगज के बीज को पीसेंगे। पीसते समय हमें मिक्सी को एक साथ नहीं चलाना है, रुक रुक कर चलाते हुए इसे पीसना है। इस प्रकार से हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें मखाने डालकर मखाने को भी पीस लेंगे। मखाने को भी हमने पीस लिया है, अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें पीसे हुए काजू और मगज के बीज को भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अलग रखेंगे। अब हम गैस ऑन करके पैन में 1 कप दूध डालेंगे। दूध हमने मलाई सहित लिया है, लगभग 2 से 3 चम्मच दूध के साथ मलाई भी है। हम इसमें घी, मावा और मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए दूध हमने मलाई वाला लिया है। अगर आपके पास मलाई वाला दूध नहीं है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हैं। अब हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि दूध में एक उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा तो अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दूध को 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर उबलने देंगे। 3 से 4 मिनट दूध को उबलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़े से केसर के धागे। केसर के धागे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दूध को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर और पकने देंगे। 4 से 5 मिनट में दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। 4 से 5 मिनट दूध को हमने पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ मिश्रण और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे डालने के बाद ये तुरंत गाढ़ा होकर डो के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, तो हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। डालने के बाद 2 मिनट में ही पाक का डो तैयार हो जाएगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अब हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप कोई भी थाली, टिन या ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसे कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है इस पाक को बनाने का। इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। लास्ट में थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। इसे सेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 10 मिनट बाद अब हम इसे निकालेंगे और कट करेंगे। बहुत ही डिलीशियस और माउथ मेल्टिंग ये पाक बनकर तैयार होता है। जन्माष्टमी पे इस आसान सी पाक की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।